पंचक में ग्रह प्रवेश या ग्रह आरंभ करें या ना करें, सीधा प्रश्न है। मैं आपकी भ्रांति की निवृत्ति के लिए यह प्रश्न जो हमारे पास आया मैं उसका उत्तर आपको दे रहा हूं। कई लोगों का प्रश्न है, देखिए जब भी हम आपकी लिए आपके लिए जो विशेष मुहूर्त है उसको निकालते हैं और उसमें पंचक वाले नक्षत्र होते हैं, उस समय कई बार वहां से वापसी मैसेज आता है, कॉल आता है कि गुरुजी आपने जो मुहूर्त निकाला उस दिन तो पंचक है। तो मैं इसीलिए इस बात का सबको फिर से उत्तर देना चाह रहा हूं कि क्या पंचक में ग्रह प्रवेश या ग्रह आरंभ। आज मैं सिर्फ दोनों की बात कर रहा हूं, वैसे पंचक की जो अलग से जानकारियां मैंने आपको दी है, आप नीचे डिस्कशन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो ग्रह प्रवेश और ग्रह आरंभ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीधा सा प्रश्न। तो इसका सीधा सा उत्तर यह, क्योंकि रेवती नक्षत्र है या अश्विनी नक्षत्र है, ये तमाम पंचक के शुभ नक्षत्र जो नक्षत्र हैं वो सभी शुभ कार्यों में वर्जित नहीं माने गए हैं, शुभ माने गए हैं। चाहे मुहूर्त चिंतामणि की बात कर रहे हैं, मुहूर्त कल्पद्रुम की बात कर लें, या मुहूर्त के अन्य जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट रूप से इन दिनों में आपको हरी झंडी दी है, स्पेशल मुहूर्त में वो नक्षत्र है। तो फिर भैया संशय किस बात का? नक्षत्र जो आते हैं मूल इसके अंदर पंचक के अंदर वो किन कार्यों के लिए शुभ है, उसके लिए मैंने पहले चर्चा की है। और ये पांच गुना वृद्धि इसमें होता है, तो अगर हम शुभ काम कर रहे हैं और हमारा उसमें पांच गुना वृद्धि हो रही तो उसमें क्या दिक्कत है? आप एक मकान बना रहे, पांच मकान बने, क्या दिक्कत है? बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, छत की ढलाई पंचक में नहीं करना चाहिए, स्तंभ खड़े जो पीलर डलते हैं वो पंचक में नहीं करना चाहिए। बाकी ग्रह आरंभ के लिए पूजन हो या ग्रह प्रवेश हो, दोनों ही उस दिन किए जा सकते हैं, बड़ा स्पष्ट है। दर्शकों, आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहे थे, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, इससे संबंधित तमाम जानकारी मिले। और व्यक्तिगत किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे जो लगातार नंबर फ्लैश हुआ है उस पर आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं और घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।